प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वचन और वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन बहुवचन। वचन जिस शब्द से वस्तु या प्राणी की संख्या का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। चित्र में देखें, घड़ा कमरे में रख दो, इससे एक घड़े का आभास है। घड़े कमरे में रख दो, इससे पता लग रहा है कि घड़े एक से ज्यादा हैं। दूसरे चित्र में देखिए, बेल पर करेला लगा है, और बेल पर करेला लगा है, इससे जाहिर है कि एक करेला मीन्स एक वचन। और दूसरे चित्र में देखिए, बेल पर करेले लगे हैं, उस बेल पर एक से अधिक करेले लगे हैं, इसलिए ये बहुवचन है। और वचन के भेद जैसे मैंने आपको बताया, एक वचन और बहुवचन। एक वचन वे होते हैं जिनसे हमें एक ही वस्तु या प्राणी का बोध होता है, जैसे लड़का, पिता, घोड़ा आदि। और बहुवचन से हमें एक या एक से अधिक वस्तु या प्राणियों का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, घोड़े, मालाएं इत्यादि। और आगे हम बताते हैं आपको कि वचन परिवर्तन क्या होता है। एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन करना और बहुवचन से एक वचन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वचन परिवर्तन कहा जाता है। जैसे कपड़ा कपड़े, संतरा संतरे, कुर्ता कुर्ते, बेटा बेटे आदि। वचन परिवर्तन के कुछ नियम भी होते हैं जिनको लगा करके वचन परिवर्तन किया जाता है। जैसे यदि किसी शब्द के अंत में ए हो तो वहां पर ए लगा करके वचन परिवर्तन होता है। जैसे पुस्तक पुस्तकें, मेज मेजे, बहन बहने, कमीज कमीजें, सड़क सड़कें आदि। इसी तरह से जिन शब्दों के अंत में आ होता है उन्हें भी ए लगा करके बहुवचन में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कामना कामनाएं, भाषा भाषाएं, परीक्षा परीक्षाएं। और इसी प्रकार से जिन शब्दों के अंत में उ होता है उन्हें भी ए लगा करके परिवर्तित किया जाता है। जैसे वस्तु वस्तुएं, वधु वधुएं, बहु बहुएं आदि। कुछ शब्द होते हैं जो एक ही वचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे समाचार, लोग, आंसू, दर्शन आदि। और कुछ शब्द इस प्रकार के होते हैं जिनका बहुवचन नहीं होता, जैसे जो केवल एक ही वचन में होते हैं, जैसे जल, घी, वर्षा, आसमान आदि। और कुछ आदर्शसूचक शब्द भी होते हैं जिनका प्रयोग केवल बहुवचन में ही होता है, जैसे माता जी खाना बना रही हैं। अब देखिए, हैं जो इसमें क्रिया है वो बहुवचन के लिए प्रयोग की गई है। और इसी तरह से पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं और गुरुजी छात्रों को पढ़ा रहे हैं, ये सब आदर सूचक जो वाक्य हैं, ये शब्द इनमें जो आए हैं वो सब बहुवचन के अंतर्गत आए हैं। तो बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ। तो लीजिए, मेरा पहला प्रश्न है, एक और अनेक बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? मैं आपको चार ऑप्शन बताती हूं, उनमें से आपको एक चुन करके बताना है कौन सा सही है। पहला कारक, दूसरा सर्वनाम, तीसरा लिंग और चौथा है वचन। तो बताइए इसमें से इसका कौन सा सही उत्तर है? इसका सही उत्तर है वचन।
और अभी जी मेरा दूसरा प्रश्न है, वचन कितने प्रकार के होते हैं? पहला मेरा ऑप्शन है 4, दूसरा 2, तीसरा 6 और चौथा 8। तो बताइए इनमें से कौन सा उत्तर सही है? इनमें से सही उत्तर है 2। तो अगला प्रश्न है मेरा, देवी शब्द का बहुवचन क्या होता है? पहला है ऑप्शन देवो, दूसरा देवे, तीसरा ऑप्शन है देवियों और अगला ऑप्शन है देवियां। इनमें से कौन सा उत्तर सही है? इनमें से सही उत्तर है देवियां। तो बच्चों आज का हमारा ये चैप्टर पूरा हुआ, आशा है आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।